अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज सर्विस और मैं हूं आसिफ मलिक। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं बाकिया कर के अंदर, जो कि हनवारा से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर वाका। तो मेरे पीछे आप ये पुल देख सकते हैं, तकरीबन 2013 से 2014 से अभी तक ये पुल इनकम्प्लीट है। अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें, यहाँ पे लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब विजुअल्स में देख सकते हैं कितनी खस्ता हाल हो चुकी है इस पुल की। जब हमने यहाँ के लोकल लोगों से बात की, उनका ये साफ तौर कहना है कई बार हमने ये जो मसला है हायर अथॉरिटीज से हमने ये उठाया है। जी आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो ये पुल है, बहुत सालों से ये बोल रहे हैं कि कल बनेगा, परसों बनेगा, इस साल बनेगा, लेकिन अभी तक ये बना नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, यहाँ से बच्चे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत हम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अभी जो ये बनाया था इन्होंने, ये आरजी बनाया था छोटी गाड़ियों के लिए, ये भी टूटा हुआ है। हम बहुत डर रहे हैं इस पुल से चलने के लिए। हमारी डिमांड यही है कि हमें पुल जल्द से जल्द बना दीजिए। इनके साथ भी हमने बहुत शेयर किया है, वो भी आए हैं। बस इनका जो ये लोहा लगाते हैं, इसका ये बिल निकाल देते हैं, बस बाकी बोलते हैं अब 3 महीने के बाद इसका काम लगेगा, लेकिन अभी तक नहीं लगा है। तो सारा गांव जानता है कितना सफर करना पड़ता है इस पुल की वजह से। अगर कोई यहाँ पर मरे तो वो गुड़ीपुरा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी से लाना पड़ता है। यहाँ हमारे लिए वो चावल जो फूड सप्लाई है वो भी वहाँ गुड़ीपुरा से लानी पड़ती है इस गाँव के लिए। और अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता कई मकान जल जाए तो पूरा गांव जल जाएगा जब तक यहाँ इमरजेंसी सर्विस आएगी। दूसरा मेरी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन आरएनबी वालों से, उन्होंने यहाँ बहुत बार ये शिस्तर लगा कर ये बिले निकाली है, कभी ये कभी ये, हमने उनके खिलाफ भी एहतजाज क्या किया, अच्छा ठीक नहीं है। वो बोल रहे हैं 2-3 महीने के बाद इस पर काम लग जाएगा, लेकिन लगता नहीं है। 2015 से ऐसा ही हाल। वो जो पहले वो डीसी साहब थे ना, मुझे उसका नाम याद नहीं है, डीसी कुपवारा, हमने उसको भी इधर पुल पे लाया था लगभग 2-3 साल। उसने भी यही कहा कि 2-3 महीने में काम लगेगा, लेकिन नहीं लगा। हम आज यहाँ पर एलजी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा है, यहाँ पर लोग परेशान हैं, जल्द अज जल्द ये पुल बनाया जाए। जमा है इसलिए कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं इस पुल से, लोगों को ये ठहर रहा है कि कहीं पर ये पुल जो है, ये गाड़ी कहीं पर ये नीचे ना हो जाए, इसलिए लोग क्या सफर बहुत ज्यादा। आपने खुद भी यहाँ देखा है लोग कितना सफर यहाँ पे कर रहा है। देखो चंद दिन पहले यहाँ एक गाड़ी थोड़ा फिसल गई और यहाँ से गुजर गई वो गाड़ी, फिर यहाँ लोगों ने बहुत सारा शोर मचा लिया कि ये गाड़ी कहीं नीचे ना जाए। इससे क्या हुआ कि लोग अब डर रहे हैं कि इस गाड़ी को यहाँ से क्रॉस होने में। आप खुद भी देखे, चंद दिन पहले इस जनले को यहाँ से निकाला गया, पता नहीं यहाँ से कहीं थ्रेट भी हो रहा है कि कहीं नीचे ना जाए। 2015 में इस पुल को ना एक नया एबिट बनाया गया है, इसमें 70 लाख रुपया निकाला गया है। एक घोटाला है ये बड़ा, मैं आपको आपकी चैनल की वसात से मैं कह रहा हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पुल में, क्योंकि 2015 में इस पुल को नया बनाया गया, बताया गया कि हम एक नया तर्ज के पुल ला रहे हैं, अगर नया तर्ज का एक ब्रिज आप ला रहे हो, ठीक है, एक नया ब्रिज ला रहे हो बाकिया करके लोगों के लिए, बाकिया करके आवाम के लिए, मगर उस पुल में क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारे फ्लड आए, जो हमारे बच्चे स्कूल जाना चाहते थे मगर वो बच्चे भी घर में रहे, फिर कई जवान यहाँ सड़क पे निकले, फिर हम उस वक्त पुलिस के शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्यों पुलिस का शुक्रिया अदा, वो वहाँ पे पहुंचे जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हम आपको ये एक छोटा सा पुल बना के देंगे। उन लोगों ने उस वक्त हमारा सपोर्ट किया है, उस वक्त उन्होंने ये पुल बना के दिया, स्कूल के बच्चे सड़क पे निकले। और आप खुद भी ये देख सकते हो कि अगर रेत निकालने से ये पुल निकला, आप देखिए पिछले साल से अगर इस नाले में रेत निकालना था बेल से,
उस पे डोजर चल रहा है, नाले को रेत निकालते हैं, वो लोग इसमें 100% शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं कि उनको कुछ मिल रहा है वहां ठेकेदार के हाथों से। और दूसरा चीज, अगर पिछले 2 सालों से हम सुन रहे हैं एक नया पुल आ रहा है, अब फ्लाईओवर आ रहा है बाकी अगर के लिए, आप खुद देखिए बाकी अगर के लोग कितना सफर कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं डिस साहब से अपील कर रहा हूँ, ये जो पुल है, डिस साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो पुल है ये पिछले 5-7 दिनों से ऐसा 10 दिनों से ऐसा पड़ा हुआ है कि यहाँ से गाड़ियां भी ना गुजरना है। जिन जो गाड़ियां वाले यहाँ से गुजर रहे हैं वो थ्रेट महसूस कर रहे हैं, और जिन गाड़ियों में बच्चे होते हैं वो यहाँ से यू टर्न वापस लेते हैं और 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकालकर दुदीपोरा से फिर वडीपोरा फिर हंदवारा पहुंचते हैं।